पंजाब असेंबली का पहला वर्किंग इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही करेंगे। इस हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी से। जी अरसलान रफीक भट्टी, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी आज का जो इजलास है ये अपोजिशन की रिक्वेस्ट यानी उनकी कॉल पर बुलाया गया है और अपोजिशन ने इसमें महंगाई, अमन अमान और दीगर जो जरूरी मामला है जो सूबे में दरपेश है उस हवाले से उस पर बहस करनी है। आज का जो दिन है वो अमनो अमान और जो दीगर सूरत हाल है, खास तौर पर जो पानी का मसला है उस हवाले से जो है आज उस पर बहस होगी, आम खुली बहस होगी। इसके ऊपर जो टाइम है वो 11 बजे का तय हुआ है कि पंजाब असेंबली का 11 बजे, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि तकरीबन 11:30 के करीब इजलास शुरू होगा और वो उसके बाद उस पर बहस पे जो है अपोजिशन को टाइम दिया जाएगा। इस हवाले से तमाम जरूरी जो इकदाम थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने भी कर लिए हैं और उनका जवाब भी तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से जो इरीगेशन मिनिस्टर है मोहसिन लगारी वो भी अपने एक मुफसल रिपोर्ट जो है वो एक ऐवान के सामने पेश करेंगे और इजलास जो है इसी तरह ये 2 से 3 रोज जारी रहने का इम्कान है। जबकि हुकूमत की जानिब से इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही करेंगे। बहुत शुक्रिया अरसलान रफीक भट्टी साहब आपका।